आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि अडेनियम की प्रूनिंग कर रही हूँ। आज मैं ये अडेनियम प्रूनिंग का बहुत अच्छा टाइम है, फ्लावरिंग कम हो गई है अडेनियम में। अगर आपके नहीं हुई है तो थोड़े दिन और रुक जाएं आप, और उसके बाद इस टाइम अडेनियम की हम प्रूनिंग कर देंगे। जिनके अडेनियम पे फलियां आ रही हैं वो भी प्रून ना करें आप, और बाकी अगर पत्ते पत्ते हैं और फ्लावर्स नहीं है तो उसको ये बिल्कुल राइट टाइम है प्रून करने का। और हम उसको आज प्रूनिंग कर रहे हैं, दिखा रही हूँ मैं आपको कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। अडेनियम की प्रूनिंग आप इस टाइम कर दें, उससे आपका पौधा और अच्छा बनेगा। तो चलिए फिर आज के गार्डनिंग ब्लॉग में हम अडेनियम की प्रूनिंग कैसे करते हैं वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले हम ये जो प्रूनर है इसको डिसइंफेक्ट कर लेते हैं। ये सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर रही हूँ इसको मैं अच्छी तरह से। और कोशिश करें कि जिस पौधे में अगर आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है उसमें हर उस पौधे के बाद फिर कर लें। और ये फेविकॉल है और इसमें इससे हम जो कटिंग वाले एंड्स हैं उनको सील करेंगे। इसकी जगह आप नेल पॉलिश भी यूज़ कर सकते हैं और दालचीनी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए अब मैं काटना शुरू कर रही हूँ। और जो कोई पौधा मुझे ऐसे लगेगा कि अनहेल्दी है उसकी कटिंग के बाद मैं फिर से जो प्रूनर है इसको सैनिटाइज कर लूँगी। और इस टाइम हमें ये जो प्रूनिंग करनी है ये हार्ड प्रूनिंग है। ये देखिए बैग जो मैं आपको कई बार दिखाती हूँ अपना, ये सारे इसमें डाल लूँगी ताकि फर्श गंदा नहीं हो। तो देखिए इसमें इस बार बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई हुई है। अब क्या है, फ्लावर्स का सीज़न, जिस पौधे में फ्लावर्स अच्छे आ रहे हो उसको ना करें प्रून, जिसमें फ्लावर्स आने बंद हो गए हों या कम हो गए हों उनको आप प्रून कर दें, और फ्लावरिंग वाले को थोड़ा टाइम बाद कर देंगे। ये देखिए सबको मैं अच्छी सी हार्ड प्रूनिंग दे रही हूँ ताकि इसमें से और ब्रांचेस निकले। और कोशिश मैं ये करूँगी कि हर पौधे में थोड़ी बहुत दो चार लीव्स छोड़ दूँ ताकि वो फोटोसिंथेसिस भी प्लांट में होता रहे। और जिसमें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगी उसमें फिर नहीं होगी। वैसे ज़्यादातर में मैं कोशिश ये करूँगी कि एक दो लीव्स जो हैं वो थोड़ी बहुत पौधे में रह जाएं ताकि पौधा फोटोसिंथेसिस करता रहे। और अगर बिल्कुल भी काट देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्प्राउट आके दोबारा से पत्तियाँ आ जाएंगी, पर दो चार छोड़ दूँगी सोच रही हूँ। वैसे मैं हमेशा छोड़ती नहीं हूँ पर इस बार सोच रही हूँ दो चार पत्तियाँ, दो तीन चार तक ऐसे थोड़ी बहुत लगी हुई छोड़ दूँ। बाकी ज़्यादातर को मैं ज़्यादातर क्या बाकी सबको रिमूव ही कर दूँगी। आप ये देख रहे हैं सारे प्लांट को हटा दिया मैंने, बस एक दो पत्तियाँ छोड़ दी इसमें। इसमें तो शायद छोड़ी भी नहीं है मैंने, जिसमें छूट सकेंगे एक आधी देखती हूँ छोड़ के। और इनको सब कुछ अच्छी तरह से हम हटा देंगे। फिर मैं वही कह रही हूँ, जहाँ जो पौधा आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है उसके बाद आप प्रूनर को दोबारा से सैनिटाइज कर लें, क्योंकि बीमारी ट्रांसफ़र होने का ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है कि हम एक ही प्रूनर से कई पौधों को काटते हैं तो कोई बीमार पौधा बीच में कट जाए तो उससे डर रहता है कि ये बीमारी फैले नहीं कहीं। तो देखिए इतने सारे ये भर गए हैं और अब मैं इनको निकाल देती हूँ। वेट बहुत हो गया है इनका क्योंकि बहुत मोटी मोटी बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, मुझे गर्दन में ऐसे वेट फील हो रहा है। अब इनको ऐसे खाली कर लेती हैं। इन ब्रांचेस को हम कटिंग लगाएंगे इनकी, इनको थोड़ा सा ड्राई करके, और ये भी नीचे कुछ पत्ते पुराने पड़े हुए हैं पिछली बार के। और ये देखिए इनको सबको इसमें मैं निकाल देती हूँ, इससे ये छत पे बहुत ज़्यादा फैलेंगे नहीं। जैसे अभी यहाँ मेरा बाल्टी में पूरी तरह नहीं भी आएंगे तो एक जगह लगा दिए मैंने इनको, नहीं तो मैं हर जगह पूरी छत पे फेंकती रहती हूँ। और अब फिर जब इनकी कटिंग्स बनाऊँगी तो एक जगह बैठ के बना लूँगी। ये देखिए इनको सबको कटिंग्स को इनको हटा दूँगी। मैं इस क्रैनबेरी हिबिस्कस को भी प्रून करूँगी थोड़ा सा, मुझे अब लग रहा है ये बहुत बड़ा और लेगी हो रहा है तो इसकी भी प्रूनिंग करके और कटिंग्स लगा दूँगी। ये मौसम अच्छा है कटिंग। ये देखिए अब जिस ब्रांच में ये बड़ी सी पिंक कलर की आपको
ये सीड पॉट दिख रहा है, इस सीड पॉट को रहने दूंगी, मैच्योर होने दूंगी। और एक और ब्रांच में से मैंने सीड पॉट काट कट कर दिया, मुझे ध्यान नहीं रहा, लेकिन इसकी सीड पॉट अब मैं रख लूँगी इस वाले की। देखिए सबको काट, सबको इसी तरह से काट दूँगी मैं ब्रांचेस को। इसको हार्ड प्रूनिंग कहते हैं कि सारी ब्रांचेस अच्छी तरह काट देंगे तो हर एक जो ब्रांच हम काटेंगे नीचे से और ब्रांचेस निकलेंगी, तो नेक्स्ट टाइम आपका जो पौधा है वो ज़्यादा बुशी बनेगा और ज़्यादा ब्रांचेस होंगी तो फिर ज़्यादा शेप अच्छी आएगी पौधे की एक तो, और दूसरा जो है वो फ्लावर्स ज़्यादा आएंगे। अब देखिए सबको प्रून करने के बाद ये जो ओपन एंड्स हैं इनमें ये जो पौधा है ना इसमें सैप होता है, बाकी पौधों की हम कटिंग करते हैं ना तो उसको कुछ नहीं करते हैं, यूं ही छोड़ देते हैं, लेकिन ये सक्यूलेंट है तो इसमें पानी सा निकलता है, एक सैप निकलता है इसके अंदर। अगर बहुत ज़्यादा निकल रहा है ना तो एक साफ़ कपड़े से इनको पहले पोंछ ले डंडियों को, अगर ज़्यादा नहीं निकल रहा है तो फिर डायरेक्ट ही देखिए ऐसे इसके ऊपर मैं फेविकॉल लगा रही हूँ। अब फेविकॉल की जगह आप दालचीनी का पाउडर भी लगा सकते हैं या फिर नेल पॉलिश भी लगा सकते हैं आप, तो इससे क्या है ये सील हो जाएंगी, सील हो जाएगी मतलब ये जो सैप वाले थोड़ा सा रस जिसमें से निकलता है ना इन पौधों में, ये रस जो है ये ट्रैप कर लेता है फंगल के, फंगस के स्पोर्स को या दूसरे चीज़ें, मोस्टली फंगस इसमें ट्रैप होके पौधे में फंगस लगने का डर रहता है, इसलिए ये जो खुला हुआ एंड होता है इसे सील करना चाहिए। जैसे ही ये फेविकॉल सूखेगा इसको सील कर देगा अच्छी तरह से, मतलब इसके थ्रू फिर अंदर कुछ नहीं जाएगा, और दूसरी चीज़ इसके थ्रू ना तो मॉइस्चर लॉस होगा और मेन चीज़ इसके थ्रू फंगस वगैरह पौधे को नहीं लगेगी। पौधा नहीं तो बीमार होने का डर रहता है कि इस रस में चिपक के फंगस के स्पोर जो है वो प्लांट में एंटर कर जाते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से जितने भी इस टाइम जो है वो सुबह का टाइम है, वैसे 10 बजे का, लेकिन इस टाइम इस जगह बहुत धूप लग रही है मुझे, तो बाकी प्रूनिंग तो मैं मना करती हूँ आप लोगों को कि या तो सुबह करें या शाम को करें, दोपहर में बाकी और पौधों की प्रूनिंग्स नहीं करनी चाहिए, लेकिन अडेनियम की प्रूनिंग हम कर सकते हैं। तो 10-1 बजे कर रही हूँ, 1-2 बजे दोपहर में नहीं, 10-1 बजे 10-11 बजे तक कर दें। मैं इनमें सब में जितनी भी ओपन एंड्स हैं उन सबको सील करूँगी ताकि इनमें जो है वो जैसे मैंने कहा कि इनके थ्रू फंगस पौधे को ख़राब नहीं करे। और बाकी पौधों में हम इसलिए नहीं लगाते, ये क्वेश्चन आपके उठ सकता है, क्योंकि उनमें रस नहीं निकलता है जैसे इसमें चंपा में निकलता है ना, यूफोरबिया में निकलता है, तो ये जिनमें सैप निकलता है उन पौधों को सील करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब ये जितनी भी कटिंग्स हैं इनको मैं जो है सारे पत्ते इनके हटा के बस ऊपर का एक आधा बिल्कुल यंग लीफ एक आधी छोड़ूंगी और कटिंग्स बन जाएंगी। इनको फिर मैं 1 दिन या 2 दिन थोड़ा सा छाया में रख के सुखाऊंगी। सुखाऊंगी का मतलब ये है कि ये जो इनके जैसे मैंने कहा इसमें एक रस सा होता है, तो जब हम सुखाएंगे तो जो इसका कट वाला एंड है ना वहाँ पे स्कार आ जाएगा, स्कार जैसे हमारे चोट लगती है तो ब्राउन कलर का स्कार आता है ना, ऐसे इनके कट वाले जो एंड है उनमें स्कार आ जाएगा, उसके बाद इनको हम लगाएंगे। क्योंकि अगर हम ताजे को लगाएं तो इसका जो रस होता है वो जैसे हम मिट्टी में इसको दबाएंगे तो उस रस पे फंगस चिपक के पौधा कटिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी, गल जाएगी आपकी। और अगर हम इसको सुखा लेंगे स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा तो फिर वो चीज़ नहीं रहेगी। और एक चीज़ होती है कि अगर आप इसको जल्दी लगाना चाहते हैं, आप स्कार का इंतज़ार नहीं करना चाहते, तो फिर आप उसको थोड़ा सा फेविकॉल लगा के छोड़ दें 1-2 घंटे और उसको सूखने दें उस एंड को, और जब वो फेविकॉल सूख जाए तो लगा दें उसको आप। तो अब मैं ये सारी कितनी सारी कटिंग्स हैं, हो सकता है इनमें से कुछ लगाऊं। ये देखिए ये मैं जैसे आपको कह रही थी ये थोड़ी सी सीड पॉट्स, 3 सीड पॉट निकली हुई हैं और ये मेरे से कट गई ब्रांच, तो ये देखिए 3 कट गई हैं मेरे से। कोई बात नहीं, अब आप लोगों में से कईयों ने पूछा लियो नहीं दिखाया, तो लियो की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो अभी ड्रिप वगैरह चढ़ी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से कटिंग की जब मैं
लगाऊंगी तो वीडियो डाल दूंगी कटिंग कैसे लगाती हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय। तो